आप लोग आईडी बनाते हो तो अपनी सभी पर्सनल डिटेल्स देते हो वहाँ पे, आपका फोन नंबर भी देते हो, आपका नाम भी बता देते हो, आपके फोटोज भी लगा देते हो। जो पहला आप लोगों को सोशल मीडिया उपयोग करते हुए जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप लोगों को अपनी आईडी में अनजान लोगों को ऐड नहीं करना है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। बॉयज को फेक लड़कियों की प्रोफाइल बना के ऐड कर लेते हैं, है ना, और फिर उसके बाद आपसे बातचीत करना शुरू होती है। ये जो एज होती है ना 9th, 10th, 8th, 7th, इसमें क्या होता है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है, मतलब जिज्ञासा, आप लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं। तो जैसे ही सामने से भाई लड़के या लड़की की प्रोफाइल आई आप और जुड़ गए, फिर वो आप लोगों का हमदर्द बनने की कोशिश करता है, लड़का या लड़की, वो आपसे दोस्ती करेगा। फिर आपकी आईडी में जब आप लोग फोटोज अपलोड करोगे तो नीचे कमेंट से पता चल जाएगा कौन आपका कौन सा रिलेटिव है। फिर उसके बाद वो एक डाटा बना लेता है कि ये इसके फादर हैं, ये इसकी मदर हैं, ये इसकी बहनें हैं, ये इसके भाई हैं। फिर उसके बाद फोटो आपके डाउनलोड कर लेगा या कर लेगी, जो भी है, फेक आईडी बनाएगी आपके सभी परिवार वालों के पास, उसे सबका पता है कौन कौन किस नाम से, सबको ऐड कर लेंगे। अब दो तरह से साइबर क्राइम हो सकता है, एक आप लोगों से पर्सनल वो लोग बात करना शुरू करें और आप लोगों से आपकी जानकारी निकाल के फेक आईडी बना के आपके फैमिली वालों से बात करें कि मैं यहाँ फंस गया हूँ या फंस गई हूँ या मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ, आपकी सारी डिटेल बता देंगे कि मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, और अंकल जी वो मेरे साथ है, उसको चोट लग गई है या वो तबीयत खराब है या वो बेहोश है या कुछ भी है, और आप स्कूल में बैठे होगे आपको पता भी नहीं, इतने रुपए भेज दीजिए मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, आपके पेरेंट्स डरते हुए पैसे भेज देंगे फेक आईडी पे। लड़कों के साथ भी ऐसा ही है, आप लोगों का डाटा निकाल लेंगे या फिर वो आप लोगों से दोस्ती का लालच देंगे, दोस्ती का लालच देके आप लोगों को बुला सकते हैं, बुला जाओ यार मिलने पार्टी करेंगे, लड़के बहुत जल्दी चले जाते हैं पार्टी करने के लिए, है ना, फ्री की पार्टी, और आप लोग जाओगे वहां पे और यहीं से क्राइम की शुरुआत होती है। आप लोगों को लालच दिया जाता है उन चीजों का जो चीजें आपके पेरेंट्स मना करते हैं कि बेटा इस एज में ये नहीं करनी, लेकिन आपको लगता है ये चीज बहुत अच्छी है। तो साइबर क्राइम वाले करते क्या है, सोशल मीडिया से आपसे दोस्ती, सोशल मीडिया पे फेसबुक पे कभी भी किसी अननोन बंदे को ऐड नहीं करना, उसे अपना नाम नंबर नहीं देना, आपके पर्सनल फोटोज आपको उसमें नहीं डालने। दूसरी चीज एक ओटीपी, ओटीपी का मतलब पता है, वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है ओटीपी आने पे, पैसे आते हैं खाते में या कटते हैं, कटते हैं, बहुत अच्छा जवाब है, फिर भी ओटीपी क्यों दे देते हैं लोग, ऐसा नहीं है गलती बच्चों से, टीचर से भी होती है, टीचर्स भी दे देते हैं ओटीपी, पढ़े लिखे लोग, आप लोग तो फिर भी बच्चे हो, मैंने टीचर्स को ओटीपी देते हुए देखा है। परसों मेरे रिलेटिव हैं उनके पास, यहाँ बल्कि हेडक्वार्टर पे ही जॉब कर रहे हैं, उनके पास मैसेज आया कि बिजली का बिल पेंडिंग है, आप लोग एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए अपना बिजली का बिल भर दीजिए, एनी डेस्क डाउनलोड करवा दिया, ओटीपी देने ही वाले थे कि मेरे भाई को याद आ गया कि हमने इन अकाउंट्स पे ट्वीट किया हुआ है, फेसबुक पे पोस्ट डाली है कि कभी भी कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करे जिससे आपका फोन किसी के पास जाए, जानकारी किसी के पास जाए, तभी उन्होंने वो कॉल काट दिया, अगर उन्होंने वो ओटीपी दे दिया होता या वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर दिया होता उसी समय खाते से रुपए कट जाते। कभी भी कोई अननोन ने आपको कहा है तो आप लोग अपने फोन पे कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है या ओटीपी नहीं देना है, जब तक आप ओटीपी नहीं दोगे तब तक पैसा नहीं कटेगा, प्लीज इस चीज का ख्याल रखना, ओटीपी नहीं देना है, ये सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, दो ही गलतियों से पैसे कटते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, या तो किसी ने आपके पास व्हाट्सएप पे फेसबुक पे स्कैन भेजा हो, आप लोगों ने जैसे ही वो स्कैन करोगे आपके पैसे कट जाएंगे, एक आप ओटीपी देके पैसे कटवाते हो, ये चीजों का हमेशा ध्यान रखना। मेरी टीचर्स से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के फोन में अगर जिस फोन में यूपीआई आईडी आपकी रजिस्टर हो, मतलब खाता कनेक्ट हो, वो फोन बच्चों को नहीं देना, पैसे वही गलती से कटते हैं। आप लोगों को जिसके फोन में यूपीआई है वो वाला फोन बच्चों को दे रही है, आपने भी अपना वो फोन यूज नहीं करना है। मान लीजिए आपको गेम खेलना है, आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं तो गेम के बिना नहीं रह सकता या मुझे आईडी बनानी है, तो प्लीज अपने पेरेंट्स का वो वाला फोन ना ले जिसमें यूपीआई आईडी, यूपीआई आईडी का पता है ना, यूपीआई आईडी मतलब गूगल पे है जिसमें, फोन पे है, भीम है, उन एप्स को यूज आपको ऐसे नहीं करना है, उस फोन को आप लोग प्लीज टच ना करें, आपकी मेहनत की, आपके पेरेंट्स की मेहनत की कमाई है, वो इस तरह से एक मिनट में चली जाएगी। पंजाब में एक लड़के ने फ्री फायर गेम में 16 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो आप लोग इस चीज का हमेशा ख्याल रखें। आज से पहले 1930 का किसको पता था, टीचर्स आपको पता था 1930 का, इस साइबर हेल्पलाइन को चलते हुए करीबन 1.5 साल हो गया है, कभी भी साइबर अपराध हो
पैसे कट जाएं, चाहे रात का कोई भी टाइम हो, उसी समय आप लोगों को अपने पेरेंट्स को बतानी है ये बात जाके, उनके फोन में नंबर सेव कर देना साइबर हेल्पलाइन नंबर से 1930, कि जैसे ही पैसे कटे, अगर किसी के पहले तो किसी को डाटा देना नहीं, फिर भी गलती से कट गए, धोखा हो गया आप लोगों के साथ, 1930 पे तभी कॉल कर देना, पैसे फ्रीज हो जाएंगे और वो पैसे काफी हद तक बचा पाएंगे। जितना जल्दी बताओगे, आप लोगों को 2 दिन बाद याद आ रहा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसमें, फिर वो पैसे निकाल ले गया, खाता बंद। पर ये कि अगर आपने हाथों हाथ बताया तो आप लोग अपने पैसे बचा सकते हैं। 1930 इसको तो जाते ही बताना है घर वालों को आपने। आज 6 महीने के अंदर हरियाणा पुलिस ने अब तक 7 करोड़ रुपए बचाए हैं सिर्फ इस 1930 से। 7 करोड़ रुपए। आप लोगों को सिर्फ 1930 को याद रखना सबसे जरूरी है। अब जो अगला पॉइंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कभी भी कोई भी एप्लीकेशन ऐसी डाउनलोड नहीं करनी है जिसका आपको नहीं पता है। एनी डेस्क एप्लीकेशन आपके फोन की जानकारी औरों को दे देती है। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो आप लोग जो टीचर्स हैं, आप लोगों के फोन में UPI में उसी खाते को कनेक्ट रखें जिसमें कम पैसा रहता हो। एक आपका जो सैलरी अकाउंट है उसे टच ना करवाएं वहां पे, क्योंकि अगर साइबर क्राइम मान लीजिए आप लोगों से गलती हो जाए, बच्चों से गलती हो जाए, तो ज्यादातर पैसा बच सकता है आपका। अगर उस खाते में मान लीजिए 1000-1500 पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। तो आप लोगों को इस चीज का ख्याल रखना है कि आप लोग मेन खाता जो UPI से कनेक्ट कर रहे हैं कोशिश करें उसमें कम हो, एप्स भी कम रखें। आप लोग कई गलती करते हैं, गूगल पे भी कर लेते हैं, फोन पे भी कर लेते हैं, पेटीएम भी कर लेते हैं, भीम भी कर लेंगे। आप लोग तभी करें जब आपको पूरी जानकारी हो। कौन सी ऐप यूज करते हो शॉपिंग वगैरह के लिए, खरीदारी के लिए? मीशो और अमेजोन है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है। उस पे पेरेंट्स की निगरानी में ही शॉपिंग करें। मान लीजिए आपको फिर भी कुछ खरीदना है, पेरेंट्स को जरूर बताएं। वादे बिना पेरेंट्स की परमिशन के कुछ भी अपने मन से खरीदारी ना करें। आप लोग गलती में अपना डाटा या अपने कार्ड की डिटेल या OTP किसी को दे बैठोगे और वो पैसा कट जाएगा आपके खाते से। तो बिना पेरेंट्स की निगरानी के कभी भी शॉपिंग नहीं करनी है, इस चीज का आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है। एक चीज है जो हम लोग बच्चों में देखते हैं कि बच्चों के साथ कोई अगर साइबर क्राइम हो भी जाए, मान लीजिए कोई लड़का आपको तंग कर रहा है, गर्ल्स आपके लिए कोई लड़का आपको तंग कर रहा है, कोई लड़का आप लोगों को डरा रहा है, बहकाने की कोशिश कर रहा है, और आप लोगों को नहीं पता मैं किसे बताना है, पेरेंट्स से डर जाते हैं, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि मेरी गलती थी, लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है ये। तो आप लोगों को इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है, कभी किसी से डरना नहीं है। अगर मान लीजिए गलती हो भी गई, पेरेंट्स को नहीं तो आपके टीचर्स हैं, ये आपके सेकंड पेरेंट्स होते हैं, इन्हें आके बताओ कि हमारे साथ ये दिक्कत हो गई है। 1930 पे कंप्लेंट करें, कोई आपको तंग कर रहा हो या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो, 1930। एक आपका साइबर क्राइम पोर्टल है, मैं लिख देता हूं फिर भी, वेबसाइट का नाम से cybercrime.gov.in। इस पे आप लोग अपना नाम, अगर आप नहीं चाहते हो नाम बताना तो आप लोग अपना बिना नाम बताए, पहचान को गुप्त रखे भी आप लोग इस पे अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसको नोट कर लेना आप लोग, बाद में आपके टीचर्स भी आपको बाद में नोट करवा देंगे, cybercrime.gov.in। लड़कों, अगर आप लोगों को कोई गलत तरीके से डरा रहा धमका रहा है, कोई लड़की ये कह रही है मैं बदनाम कर दूंगी आपकी, ये जो IDs हैं आपके साथ, जो मेरी बातें हैं मैं शेयर कर दूंगी, आपके साथ जो वीडियो है मैं शेयर कर दूंगी, और इसके मुझे पैसे दे दीजिए, आप लोगों ने भी पहले पेरेंट्स को बताना है और कंप्लेंट या तो 1930 पे या साइबर क्राइम पोर्टल पे। डांटेंगे जरूर आपके घर वाले, पर उस डांट से कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, आप बच जाओगे बच्चे। और एक चीज है, हेल्प कभी दोस्तों से मत लेना, दोस्त सीधी सलाह नहीं देता कभी भी, दोस्त हमेशा उल्टी सलाह देगा, यह बात हमेशा याद रखना, हमेशा अपने बड़ों के पास जाना डायरेक्शन के लिए। अब आते हैं कि आप लोगों के पास फोन में ट्रू कॉलर लगभग बहुतों के घर में होगा, है ना, टीचर्स के फोन में भी। आप लोग अपना नंबर खुद लीक करवाते हो, आप लोगों की यह सबसे बड़ी गलती है। आप लोगों को लगता है कि हमें किसी की कॉल आएगी उसका नाम पता चल जाएगा ट्रू कॉलर से, आप लोगों के नंबर लीक होते हैं ट्रू कॉलर से। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके फोन में कोई नंबर है
और मेरे पास भी ट्रू कॉलर है, अगर वो आपके फोन का कोई नंबर आपकी फैमिली मेंबर का है, मैं अपने ट्रू कॉलर पे सर्च करूंगा, ट्रू कॉलर कहाँ से बताएगा, वो आपका डाटा उठा के बताएगा मुझे कि इनके फोन में इस नाम से है, तो इसका मतलब यही नाम होगा उसका। आप लोग खुद अपने नंबर को ट्रू कॉलर के डाटाबेस में डाल देते हो कि लो सब यूज करो, सबको पता होना चाहिए। तो कुछ एक मैं सेफ्टी टिप्स है, एक तो अपनी फैमिली में जो फीमेल मेंबर्स हैं, जो आपके बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, उनका डायरेक्ट उनके नाम से सेव ना करके शॉर्ट्स कुछ ऐसे रख लें कि वो उतना क्लियरली ना पता चले सबको। भाई घर से लिख दो, फैमिली लिख दो, परिवार, होम, इस तरह के नंबर आप सर्च सेव रखेंगे तो आप लोग अपने नंबर को बचा पाएंगे। आप लोग जो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो जब ट्रू कॉलर को इंस्टॉल करते हुए, वो भी डाटा दे देती है कि ये आपका नंबर है, ये टीचर से ज्यादा बड़ी गलती है। और बच्चे, आप भी इस चीज का ख्याल रखना, अपने घर जाकर ट्रू कॉलर अनइंस्टॉल करना। आप लोग फ्री फायर गेम वगैरह खेलते होंगे सब, है ना, पबजी वगैरह भी खेलते होंगे। आप लोगों को कोई उकसा के कोशिश करे, भाई खरीद ले हथियार, खरीद ले ड्रेस, ये पैसे खर्च कर दे, जीत जाएंगे, इस तरह की किसी की बातों में नहीं आना है। कोई प्रलोभन नहीं लेना इस चीज का, लालच नहीं लेना, कोई आपको बहकाएगा कहेगा कि भाई कर दे खर्चा। आप लोगों ने कोई भी अपनी डिटेल अननोन बंदे को, ऑनलाइन बात हो सकती है ना गेम खेलते हुए, किसी की बातों में नहीं आना, ये गलती आप लोगों को कभी नहीं करनी है। आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हो, किसी के साथ कोई इशू हुआ हो या कुछ माइंड में क्वेश्चन हो कि सर हम ये करके देखना चाहते हैं, क्या इसमें गलत है, क्या ये सही है, कुछ भी, आप सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, टीचर्स के पास भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। फरमान बेटा देखो 10 क्वेश्चन तो पूछने पड़ेंगे, उसके बिना तो हम नहीं जाने देंगे। इतने बच्चे हो 10 क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ लो। सोशल मीडिया यूज करते हो ना, फेसबुक भी यूज करते हो, अपने अकाउंट इंस्टाग्राम भी यूज करते हो, सब कुछ करते हो। मोबाइल सेफ नहीं होता सर, मोबाइल आपने, मैं और आप जो बातें कर रहे हैं ना, वो भी मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है, इसे एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोबाइल कभी सेफ नहीं होता। आप लोग जो चीजें ऑनलाइन की दुनिया में जो चीज चली गई वो कभी नहीं मिटती है, ये बात हमेशा याद रखना। ऑनलाइन की दुनिया में कोई फोटो, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग, कोई आपकी की हुई, हम लोग कहते हैं ना कि ऑनलाइन की दुनिया में आप चल रहे हो, जहां छाप पड़ गया ना, वो जिंदगी में कभी नहीं मिटता, वो सदा रहता है। बहुत सेफ है। ये बात एक तरह से सच है कि जो आईफोन है जो, वो एंड्रॉयड से करीबन 70-80% ज्यादा सेफ है। इसका रीजन एक है कि जो आईफोन होता है उसमें जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो आईफोन एप्लीकेशंस को, एक तो वो ज्यादा एप्लीकेशंस को तो आने नहीं देता, वो बहुत जो टॉप सिक्योरिटी क्लियर करते हैं उनको आने देता है। फिर उसके बाद क्या वो ट्रैक कर पाए, क्या वो डाटा ले पाए, तो उसके लिए वो आपको ऑप्शंस देता है कि क्या ये आपको ट्रैक कर सकते हैं, तो आप उसमें नो करते रहें तो किसी हद तक, बहुत हद तक आप अपने आप को, अपने डाटा को बचा सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं, ये आपके लिए नहीं, मैं बच्चों के लिए भी और आपके टीचर्स, आप सबके लिए भी। आप लोग जब एंड्रॉयड पे कुछ भी इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको गूगल अकाउंट्स में जाना, सेटिंग में, गूगल अकाउंट्स में होता है ऑटो अपडेट, उस ऑटो अपडेट में जाके फोटोज को ऑफ कर देना, फोटोज का ऑप्शन होता है, आप फ्री होंगे मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे आता है वो ऑप्शन। फोटोज को अपडेट कर देना, आपके मैसेजेस को, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, जीमेल अकाउंट को ऑफ कर देना, सिर्फ कैलेंडर को ऑन रख लेना ताकि डेट्स आपको पता चलती रहे, कोई इंपॉर्टेंट डेट वगैरह है, और आपके कॉन्टैक्ट उनको आप रख सकते हो अपने जीमेल अकाउंट पे, बाकी को ऑफ करके। कई बार क्या होता है, फोटोज कुछ पर्सनल पारिवारिक फोटोज हो गए, अगर गूगल से ऑटो अपडेट है तो गूगल उसे उठा के गूगल अकाउंट पे डाल देगा। अब जिसने सिर्फ गूगल अकाउंट बना रखा है वो तो ठीक है, लेकिन जिसका गूगल अकाउंट फेसबुक से कनेक्ट है वो फेसबुक पे भी डाल देगा आपसे बिना परमिशन लिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे रोकना है, उसको आप ऑफ रख लेना, तो उससे किसी हद तक सेफ रहेगी। एक क्वेश्चन है, हाँ जी, और एक ही अकाउंट को हम फोन पे कनेक्ट, हाँ जी, तो इससे किसी तरह बचा जा सकता भी? इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, जैसे आपकी सैलरी आए ना, आप एक ऐसा अकाउंट रखें जिसका सिर्फ एटीएम कार्ड हो,
या फिर एटीएम भी छोड़ो, सबसे बेस्ट तरीका उसको रखो, उसमें अगर आपको पेमेंट एनपीएस जो अपना वो है क्या कहते हैं आप लोगों को बैंक के थ्रू जो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं सिर्फ एक वो ले लीजिए और उस अकाउंट में भेज दीजिए इंट्रा के थ्रू, और अपना उस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 1,000-1,500-2,000 रुपए रखे जो आपको ऊपर की पेमेंट्स के लिए जरूरत होती है। नेट बैंकिंग सेफ है, जब तक आप लोग अपना डाटा नहीं देते उसमें नेट बैंकिंग सेफ है। ऐप में जाओगे तो भीम सबसे अच्छी ऐप है, मैं पर्सनली आपको बताता हूँ। भीम एक सबसे अच्छी ऐप इसलिए है क्योंकि एक तो आपके फोन नंबर के अकॉर्डिंग, पर फंडा वही है कि अगर आपने किसी को पासवर्ड बता रखा, खासतौर से अपने बच्चों को पासवर्ड ना बताएं, चाहे बेशक आप लोगों को कितना ही उन पर भरोसा हो, क्योंकि क्या होता है बच्चों को बरगलाना बहुत आसान होता है, तो बच्चों को अगर आप लोग ऐसा नंबर देंगे और उसमें यूपीआई भी कनेक्टेड है तो वहाँ बहकाना उनको बहुत आसान हो जाता है। किसी एक अकाउंट से सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग हम यूज करते हैं और उसके कार्ड वगैरह कहीं पर भी लगभग सेफ, बाकी दुनिया में कुछ सेफ नहीं है लगभग, क्योंकि आप मान लीजिए अगर किसी ऐसी वेबसाइट पे चले गए, फेक वेबसाइट पे, आपको नहीं पता चला और उसने आपकी एंट्री ले ली, आपका अकाउंट नंबर ले लिया, आपका पासवर्ड ले लिया, तो वो भी लॉगिन कर लेगा कहीं से। तो लगभग ये कि देखो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, जब भी आप लोग किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं ना बैंक की खासतौर से, तो ऊपर आप लोग देख लें https, एस का मतलब सिक्योर होता है, एस अगर एस नहीं है तो इसका मतलब है ये कॉपीड वेबसाइट है, सिक्योर का इसने सर्टिफिकेशन नहीं लिया। फॉर एग्जांपल सर हमारे डिपार्टमेंट है मुझे 10 बार यूं कहता है फलानी साइट पे जाओ और एप्पल में डालते ही वो सबसे पहले कहता है थर्ड पार्टी आप एप्पल नहीं खुलने देगा, ये बात आप हमेशा याद रखिए। एप्पल उधर से डिपार्टमेंट का प्रेशर है, आपको उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, आप कंप्यूटर में खोलो, फोन अपने फोन में मत करो उस चीज को, क्योंकि आपके फोन से भी वो डाटा उठाएगा, ये आपके फोन से डाटा उठाने के लिए ही वो थर्ड पार्टी होती है, वो कोई थर्ड पर्सन नहीं बनाई हमारे डिपार्टमेंट के जितने जाते हैं सर कोई भी स्टोर ऐप नहीं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन नहीं लेती है, ये सर की बात बहुत ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब एक किस्म का डंडा होता है कि ये आप कर नहीं करो, वो नहीं डंडा नहीं है उसको, डेस्कटॉप पे जाके डेस्कटॉप पे करो आप, फोन पे प्लीज मत यूज करें, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप लोग अपने पर्सनल फोन पे सरकारी काम ना करें, सरकारी वेबसाइट सर्टिफिकेशन पे खर्चा नहीं करती है तो वो सिक्योर होती ही नहीं है, वो अपने एनआईसी से बनवा लेते हैं, अब एनआईसी वाले बाहर नहीं जाते खर्चा करने के लिए, बहुत इजी होती है हैक करना, बहुत इजी डाटा चोरी होता है सरकारी वेबसाइट से, तो अपने फोन पे यूज ना करें, सबसे बेस्ट है अपना डेस्कटॉप पे कर ले, स्कूल के सरकारी उस पे कर ले, वो सबसे बेहतर तरीका है। बच्चे ने एक चीज और जो मुझे पर्सनल लाइफ में एडवर्टाइजमेंट वाले फोन बहुत करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अभी इलेक्ट्रिक डिलीवर कर रहे हो और अभी आपके पास फोन आ गया कि भाई अगर मैं ये स्कीम दे रहा हूं या वगैरह, तो ऐसे लोगों को क्या साइबर क्राइम कॉल करने से मना नहीं कर सकते? नहीं, ये क्राइम नहीं है, ये मार्केटिंग है। आप लोग मार्केटिंग आपका टाइम है या ड्यूटी दे रहे हैं, आप ड्यूटी पे किसी को अटेंड कर रहे हो, क्या उसके पास इतना राइट होना चाहिए कि आपको कॉल करे? देखिए आपके पास राइट होना, ये जो निजता का अधिकार है ना, इसमें रूम में तो चले जाएंगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, आपने स्कूल के बाहर गेट लगा रखा है, गेट बंद नहीं है, कभी जंप करके गए ट्रेस कैसे हो गया, आपके पास जो मार्केटिंग कर रहे हो तो बेल बजाएगा, आप गाड़ी बैठे स्टेशन नो करते ये परचेज कर लो परचेज कर, सेम सिस्टम यही है आपके पास। सुनिए मेरी बात, इसमें आप कितना मर्जी पूछे जाओ ये है वो है, नहीं है, आपकी बेल बजाए उसने ब्लॉक, फिर बेल बजाता है ब्लॉक, फिर बेल बजाता ब्लॉक, यानी ब्लॉक का मतलब गेट बंद कर दिया, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये इसको हम क्राइम की भाषा में नहीं रख सकते, क्राइम है ही नहीं अभी तक गवर्नमेंट ने इसको, क्योंकि ये मार्केटिंग है, आपका डाटा बेस ऑनलाइन है, वो नंबर खरीदे जाते हैं और मार्केटिंग करिए सर, सेम सेम ये भी कॉल पे है, जब आप चौराहे पे खड़े होते हो गाड़ी में जा रहे हो तो भिखारी भी नोक करता है सर, ये चल भाई हाँ भी सेम सेम, ये सुनिए मेरी बात, बात सुनिए आगे मत बढ़िए, दूसरी बात ये है सेम यही है, वहाँ गवर्नमेंट ने बैगरेक हटा दिया, ये तो पहले पुलिस को देख के भाग जाते थे, तो इनके ऊपर कोई एक्ट लगेगा तब आपको बता दिया जाएगा, अभी फिलहाल यही है कि भाई जैसे वो आपकी बेल बजाने आता है अब उसको ब्लॉक कर, ब्लॉक करना आता है नीचे, कॉल आई वापस गए उसको ब्लॉक आता है, ब्लॉक पे टिक किया ब्लॉक हो गया, दोबारा से नंबर नहीं आए, चाहे वो 1,000 आपके पास नंबर आए से कॉल करे, अब ब्लॉक करते जाए, ब्लॉक में कितनी देरी लगती है, सोचने में बात करने में दिमाग खराब होता, टाइम वेस्ट होता, ब्लॉक में क्या गया टिक, पर्टिकुलर नंबर है जो एडवर्टाइजमेंट किया सर, उनके पर्टिकुलर कुछ नहीं होगा, उनके पास 4-5 नंबर मिलेंगे, फिर उनके बाद सर ब्लॉक के अलावा कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है सर, हम उन्हें क्राइम नहीं कह सकते ना इस चीज को, रिक्वेस्ट है कि एडवर्टाइजमेंट का उनका अधिकार है, मैसेज करें और कुछ करें, जब हम शाम को खाली हो देख लें, ये नहीं हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं इतने में
उनके लिए आप नंबर का पता नहीं लगता ये बंदा कौन है, एक बार अटेंड करते ही। सर ये अभी गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में बात आई नहीं है, आएगी को लॉ बनेगा और वहाँ तक पहुँच जाएगा। फिलहाल आपके हाथ में अधिकार है, आपने फोन उठाया नहीं समझ में आया उसको ब्लॉक कर दो, इरिटेट होने की जरूरत नहीं। एजुकेशन का मतलब क्या है, समझ। मैंने फोन उठाया सर आपको लोन काटा, फोन है बेटा बाद में बात करेंगे, ये टिक ब्लॉक हो गया। कहीं बैठे हो फोन है धीरे से सुना नहीं समझ में, आगे बात बोलो ही मतलब, जो आदमी आपका जानकार नहीं है आपका मतलब करें उससे बात क्या करें, नहीं कर रही वही फोन काटो। हम लड़ने लग जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, गाली देने लग जाते हैं, क्यों किया फोन, किसी ने किया फोन, अरे छोड़ो यार क्यों मगज पाई करी, क्यों एनर्जी वेस्ट करी, फोन को उसी टाइम काटो, जोर लगता है काटने में, टच करना बस, आगे को किया टच किया ब्लॉक हो गया बैठा ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। प्लीज कंटिन्यू। बच्चों आपके पास कोई क्वेश्चन? अच्छा एक क्वेश्चन आता अभी इंस्टाग्राम क्या शेव है जो बच्चन बोला। टाइम से टाइम फ्रेम का कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप चाहे उससे 10 मिनट बात कर लो, अपना भी टाइम यूज कर लो उसका भी कर लो, बशर्ते आप अपनी जानकारी कितनी दे रहे हो। अगर आप 5 सेकंड में आपने अपनी डिटेल दे दी ना तो 5 सेकंड में हो जाएगा। सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं मैडम, RBI की एक गाइडलाइन है, किसी भी बैंक के पास कोई राइट नहीं है कि वो कॉल करके आपसे बात करे। प्राइवेट बैंक है उनका जो क्या बोलते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो जरूर बताएगा कि मैं आपका अकाउंट इस ब्रांच में, मैं आपका पर्सनल एडवाइजर जो भी है बना हूँ, आपने कोई जानकारी लेनी हो ब्रांच में विजिट करें मुझसे जरूर मिले। वो कहेगा सिर्फ ये जो कहेगा ब्रांच में विजिट करें मुझसे मिले, इसमें लीगल आदमी है। बाकी RBI की गाइडलाइन है पल्ले बांध लो, बैंक किसी बैंक के पास कोई अधिकार नहीं है फोन के ऊपर आपसे कोई भी जानकारी ले। आपने सुना ही नहीं, हेलो HDFC बैंक से बोल रहा हूँ काट दो, आपके हाथ में पावर यूज क्यों नहीं कर रहे, दूसरे क्यों दे रहे अपनी पावर। वो कहता है नमस्कार मैडम मैं SBI बैंक से मैनेजर बोल रहा हूँ, ले ली मैडम मैं LIC से बोल रहा हूँ ले भी, मैंने नहीं सुनना LIC जरूर तो LIC का ऑफिस मुझे पता है, बैंक का पता है मुझे, मेरी ब्रांच का मुझे पता है। हम ये फोन हमारे लिए, हम फोन के लिए नहीं गुलाम ना बने। इसको बनाया किसने फोन को, एक आदमी ने, और कितने आदमी इसके गुलाम हो गए हमें यही नहीं पता, कौन कौन सी एप्लीकेशन डाली कौन सी नहीं डाली, तभी कह रहे ये सॉरी मैं कह रहा फिर भी ये आपसे बकूं, बैंक के किसी भी डिपार्टमेंट के पास कोई ये मैसेज नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है कि आप तुरंत फोन से काम करते थे, डेस्कटॉप लगाओ ऑफिस में बैठो। और RBI की डायरेक्शन मैंने बिल्कुल साफ गाइडलाइन है कि फोन आपका तो कोई भी बैंक का अधिकारी कितना ही कुछ ना हो आपकी जानकारी नहीं मांग सकते। आपने सुना 10-20 सेकंड में फोन हैक नहीं होता है, 10-20 सेकंड में फोन हैक नहीं होता, वो जो हैकर है ना मतलब हमारी भाषा बोले हैकर वो चोर है, और चोर जो है ना वो प्रोफेशनल है, वो करोड़ों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, वो मल्टी लेवल कंपनियों की सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठे, यानी बिल्ली दूध की रखवाली। उन्होंने चोरों को अपनी मल्टी लेवल कंपनियों के लिए बैठा रखा है कि आप हमारी कंपनियों की सिक्योरिटी करने आप को हमारे ट्रस्ट पास ना कर जाए इसमें। हाँ तो 10-20 सेकंड में सुनो, जो फोन नहीं समझ में आ रहा आपने माथा पचाई करने की, वापस जवाब देने की, बोलने की, नहीं नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए LIC मुझे नहीं चाहिए, बैंक का अकाउंट मैडम नहीं बोलना ही नहीं, शादी काट दो बैंक का काट दो, बैंक आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैडम, चाहे रिटर्न में ले लो, कोई बैंक आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक आप OTP नहीं देंगे, जब तक आप कोई ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे, या जब तक आप किसी लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। फोन पे बातचीत से कुछ नहीं होता, वो बाहर खड़ा खड़ा चिल्ला रहा है, जब तक आप गेट का दरवाजा नहीं खोलेंगे ना तब तक वो अंदर नहीं आ सकता। लिंक पे क्लिक नहीं करना, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी, और कोई भी OTP नहीं देना। जब तक आप इन तीन चीजों को मान रहे हो कोई दिक्कत नहीं, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम। इंस्टाग्राम पूछा था इंस्टाग्राम कितना सेफ है, इंस्टाग्राम बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ना ही कोई बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, नशा है वो वेल्ले लोगों का, सही बता रहा हूं मैं, इंस्टाग्राम वेल्ले लोगों के लिए बनाया, और भारत में चूंकि
बहुत अधिकतम संख्या में बैठे हैं वेले लोग, तो इंस्टाग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। वो लोग तो पैसा कमा रहे हैं जिनकी रील्स आप देखते हो। आप लोग अपना टाइम खराब कर रहे हो, टाइम का मतलब वैल्यू मतलब पैसा। आप लोग अपना टाइम खराब कर रहे हो, उनकी देखा देखी आप लोग क्या करते हो, आप लोग भी अपनी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हो। वहां पे अपनी रील बनाओगे, मैं यहां के रहने वाला हूं या वाली हूं, मैं यहां पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, बस में इंफॉर्मेशन गई। उसके बाद क्या होगा, फिर साइबर स्टॉकर, हाँ भाई ये लड़की इस जगह से है, आपकी प्रोफाइल ढूंढेगा फेसबुक पे, अच्छा यहां की रहने वाली है, ऐड हो जाएगा, फिर आपसे बातचीत करना शुरू करेगा, मैं आपका शुभचिंतक हूं, बहुत अच्छा दोस्त हूं, ठीक है मैं आपके बहुत क्लोज हूं, आप मेरे को बहुत पसंद हो, ये सब बातें। और ये जो एज होती है ना, ये एज बहुत जल्दी आकर्षित करती है कि नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरा बर्थडे भी याद रखता है, मेरे शेर व शायरी भी लिखता है, सारा सारा दिन मेरे ही बारे में सोचता रहता है। अब देख लो जो बंदा सारा दिन आपके बारे में सोच रहा कितना वेला है, वो है उसके पास कोई काम नहीं है ना। आप लोग ऐसे लोगों की बातों में ही नहीं आना, लड़कियों आप लोगों के लिए खासतौर से आपकी एज है ये, जो आपके लिए सबसे ज्यादा केयर करता है आपके माँ बाप के अलावा कोई नहीं है, या फिर आपके टीचर्स, और तीसरा बंदा कोई नहीं है जो आपकी क्या कहते हैं चिंता करता है, बाकी सबको आपको नुकसान पहुंचाना है। ये बात आप लोगों को समझनी है, सोशल मीडिया का यही काम है, इसे ही हम लोग साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, मतलब साइबर के द्वारा पीछा करना लड़की का। मेरे लड़कों से गुजारिश है, मैं बता दूं, आप लोग अगर किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, किसी ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में हो जिसमें किसी जाति धर्म संप्रदाय के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, गलत भाषा का इस्तेमाल होता है, गलत वीडियोस भेजी जाती हैं, उस ग्रुप के एडमिन के खिलाफ तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन जो जो उसमें जुड़ा हुआ है उसके खिलाफ भी। ये बात प्लीज इस चीज को नोट रखना, अगर आप किसी ऐसे गलत ग्रुप में जुड़े हुए हो, एडमिन तो पकड़ा जाएगा, आप लोगों के खिलाफ भी। अगर आप लोग किसी गलत वेबसाइट पे जाते हो, वीडियोस डाउनलोड करते हो, शेयर करते हो, किसी को भेजते हो और किसी को धमकाते हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय के बारे में गलत शब्द बोलते हो, या कोई गलत वीडियो शेयर करते हो, या लड़कियों के फोटो शेयर करते हो, सब के सब पकड़े जाते हैं, कोई नहीं बचता। और हमें यह भी पता चल जाता है किसने किसको कैसे भेजा है, फॉरवर्ड करते हैं उसको भी भेजा है वो भी पता चल जाएगा, पीछे से किसके नंबर से आया वो भी पता चल जाएगा, और फिर कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। फिर वहां सॉरी का ऑप्शन नहीं होता, स्कूल में गलती होगी टीचर दो थप्पड़ मारेगा सॉरी बोल के पीछे बैठ जाओगे, पुलिस के पास सॉरी नहीं होती। आप लोगों को अपने करियर पे ध्यान देना है, स्कूल ने टैब दिया है तो उस पर पढ़ाई करो, अच्छी वेबसाइट्स को फॉलो करो, एजुकेशनल मटेरियल को फॉलो करो। अगर आप लोग कुछ भी गलत फॉलो करोगे तो वहां आपको गलत नुकसान होगा, हम लोग ट्रेस आउट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। इनको फॉलो कर लो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। गर्ल्स कोई क्वेश्चन है? अभी तो तीन ही सवाल है, बाकी सात बचे हैं, सात सवाल और करने हैं अभी आप लोगों ने। हम कह रहे हैं आप हमसे पूछो कुछ। टोटल सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी वो तो सर सॉफ्टवेयर है, परचेज करो उसका, इससे कोई फर्क नहीं है सर, वो आपका ब्लॉक करते हैं सर, कुछ एक वेबसाइट्स को ब्लॉक करते हैं, लेकिन अगर आप खुद अपना डाटा दे रहे हो ना तो नीचे ऑप्शन पूछता है क्या ये आप डाटा देना चाहते हो, आप नो कर दोगे नहीं जाएगा। वो तो विंडोज में ऑलरेडी टोटल डिफेंडर भी होता है, वो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। पर मैं गलत वेबसाइट्स पे ना जाएं, क्योंकि आप वहां जाओगे ना तो चाहे कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो, कोई भी वो कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो बाहर से, अगर कोई जैसे सबने बताया लिंक भेजते हैं, तो ऐसी चीजों को जब तक नहीं, जब तक आप उस लिंक को क्लिक नहीं करोगे तो ही बचे रहोगे। लिंक को भेजने को कोई नहीं रोक सकता, आपके फोन पे व्हाट्सएप किसी ने कर दिया ना लिंक, तो वो लिंक तो आ गया आपकी व्हाट्सएप पे, स्पैम के नाम से वो आपके जीमेल पे रहेगा, लेकिन व्हाट्सएप पे स्पैम नहीं शो करता, व्हाट्सएप पे तो सीधे लिंक आता है। नहीं, उनसे नहीं रुकेगा ये, उनसे नहीं रुकता ये, आपको अपनी पर्सनल समझदारी से ही सीखना पड़ता है कि गलत जगह क्लिक नहीं करना, गलत जगह अपनी जानकारी नहीं देनी। टीचर्स के पास कोई क्वेश्चन हो, बच्चों के पास कोई क्वेश्चन हो, क्या कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है तुम्हारे साथ, किसी ने नंबर मांगा हो या कोई फोटो शेयर, ऐसा कुछ शेयर करो अपने एक्सपीरियंस। कोई सवाल हो कि सर हम अगर इस चीज का उपयोग करते हैं क्या इसमें दिक्कत हो सकती है, अरे ये पूछ लो कौन सा गेम खेलना है, कहां पे हमें चैटिंग करें, कुछ तो पूछो हमसे कौन से गेम्स क्योर है।
हाँ जी व्हाट्सएप सेफ है जब तक आप व्हाट्सएप को व्हाट्सएप की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। व्हाट्सएप का काम सिर्फ इतना है, मैंने सुबह किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है, शाम को किसी को गुड नाइट बोलना है, कुछ प्रोजेक्ट भेजना है, फोटो भेजने है, तब तक तो है ठीक। पर अगर व्हाट्सएप पे आप अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हो, गलत फोटो शेयर कर रहे हो, गलत वीडियो शेयर कर रहे हो, गाली दे रहे हो, असभ्य शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, अभद्र बातें कर रहे हो, किसी के बारे में झूठ फैला रहे हो, फिर सेफ नहीं, फिर आप वहां गलती में आ जाओगे। ग्रुप छोड़ देना, कोई दोस्त आपके पास भेजे उस दोस्त को साफ कहना भाई मेरे पास मत भेज, मैं तेरे को ब्लॉक कर रहा हूं, क्योंकि वो दोस्त तो फंसेगा, वो आप लोगों का भी नाम लेगा। ये चीजें हमेशा ख्याल रखनी है आप लोगों ने, गलत चीजें कभी भी नहीं। आगे और सवाल, यही क्वेश्चन था सर, जैसे कोई सांप्रदायिक जब हम व्हाट्सएप पे करते हैं तो एडमिन के खिलाफ ही होगा, एडमिन भी नहीं, जिसने भेजा है सबके खिलाफ, पूरा ग्रुप क्योंकि कुछ खास दिनों में कुछ खास चीजें हो जाती है, पूरा ग्रुप जाएगा उस पे। बोलो बच्चे आगे आ जाओ, कोई बात नहीं बेटा, उसमें हिम्मत थी वो खड़ा होके आ गया, तुम लोग पीछे बैठे बैठे दांत हिला रहे हो बस, और क्या है ना। ऐप कौन सी ऐप, देखो मैं फिर बता रहा हूं, आपके फोन पे एक पासवर्ड लगा बहुत है, ऐप का पासवर्ड तुम ही खोलोगे, अगर कोई लिंक पे क्लिक आता है तुम ही उस लिंक पे क्लिक करोगे, सब तुम्हारे हाथ में है, चाहे फोन पे पासवर्ड भी मत लगाओ, पर अगर तुम अपने फोन को किसी के थर्ड पर्सन के हाथ में दे रहे हो, इसका क्वेश्चन पासवर्ड क्यों लगाना चाहते हो आप, है फोन गुम हो जाएगा तो उसके बाद भी आपका फोन रीसेट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है पासवर्ड तोड़ना, है ना, फोन रीसेट हो सकता है। अगर फोन गुम हो जाए मैं आप लोगों को बता दूं, तभी के तभी अपने सभी खातों को डीएक्टिवेट करवा दो जो खाता उस फोन के अंदर एक्टिवेटेड है, क्योंकि फोन चोरी होते ही वो आपके फोन का स्कैन करेगा सबसे पहले, इस चीज का ख्याल रखना है। इसका इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना, वो ऐप को आपने लॉक कर दिया, उससे आगे चाहते क्या आप लोग, क्यों लोग लगाना चाहते हैं, आप ताला क्यों लगाना चाह रहे हो, ये ऐप के ऊपर क्यों पासवर्ड लगाना चाह रहे हो, ताकि किसी गैलरी पे लगाओगे, कॉन्टेक्ट पे लगाओगे, किस पे लगाओगे, ये सब पे कह रहा है, सब पे लोग लगाओगे, उसका फायदा मैसेज वैसे ही आप सिक्योरिटी पर्पज बेटा, सिक्योरिटी तो सिर्फ एक ही लोग सफिशियंट है, एक, बाकी आप लगाओगे कहीं गुम हो गया, चोरी हो गया, तो क्या सोचते हो जो चोर उसको आराम से रखेगा, लॉक तोड़वा लेगा, कहीं ना कहीं जाके लॉक तोड़वा लेगा, थोड़ा नहीं मारना, रिपेयर वाले पास जाएगा, उसका देखेगा, रीसेट होके धीरे 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 सारा डाटा रिकवर हो जाता है इसमें। आप गर्ल्स एक चीज आप लोगों के लिए खास तौर सिर्फ ये बचना है कि जो गलत लिंक आए, गलत फोटो आए, उनसे बचना है आपने, लोग तो एक सफिशियंट है आपके लिए। सर एक पंचकुला में जैसे आते हैं मोटरसाइकिल पे भी बाल ले और मोबाइल पुराना सेल कर दो जी, वो डाटा है? आप लोग प्लीज गर्ल्स इस बात का ख्याल रखना, आप लोगों का फोन खराब हो जाए, ठीक करवाना हो कस्टमर केयर पे करवाना, बाहर लोकल दुकानदार से करवा रहे हो तो सामने खड़े रहके, मैडम आप सबके लिए भी बहुत जरूरी चीज है, आप लोगों का डाटा बहुत इजीली रिकवर हो जाता है, आप लोग सोचते हो वो डाटा सारा कॉपी करके आपको आपका फोन दे देता है, पर आप लोगों के पर्सनल फोटोज, पर्सनल वीडियोज, आपके परिवार की लेडीज के फोटोज चले जाते हैं, या तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट प्राइवेट बना के रखते हैं तो कोई नहीं तो आप लोगों को एक चीज का ख्याल रखना है कि प्राइवेट पे रिक्वेस्ट भेजते हैं फॉलो कर सकने की, है ना, उसी को ही एक्सेप्ट करें जिसे आप जानते हो, जितने कम को आप करोगे जिनको पर्सनल जानते हो तो ही ठीक है, ज्यादा को करोगे तो आपका डाटा फिर से आपके फोटोज लीक होने का चांस, फिर वो नया अकाउंट बनाएगा, फेक अकाउंट, फिर वहां पे आपको समझाएं, जब आप पार्टी करते हो, पार्टी करते हो तो आप क्या सभी को बुलाते हो, सिर्फ पर्सनल घर वालों को जिनको जानते हो, हाँ सिर्फ, तो सेम वही बात है कि ये आपका घर है या ये आपका स्कूल है या क्लास है, सिर्फ उन्हीं को अलाउ करो जिनको आप जानते हो, अलाउ करने का मतलब जो आपको जानकारी में हो, सिर्फ आप उनसे बात करो। छह क्वेश्चन हो गए हैं, चार अभी भी बाकी है, पूछ लीजिए कुछ भी, कोई भी बेटा पूछो, जानकारी लो हमसे, आप हम जितना हमसे पूछोगे हमारे भी
अच्छा लगेगा, हम नई बात ढूंढ के लाएंगे आपके लिए। लड़कियों के फेसबुक पर कितना अकाउंट है खड़े करना, एक बार फेसबुक का अकाउंट है नहीं करेंगे ना। बोलो बोलो खड़ा सनी सुनो। गूगल क्रोम ये क्या होते हैं, ब्राउजर्स होते हैं सिर्फ आपके, ये आपको इंटरनेट तक ले जाने का सिर्फ माध्यम होते हैं। ये सेफ का इनसे कोई लेना देना नहीं है। इन पे बैठ के ये जैसे मान लीजिए गाड़ी को पूछते ना सर गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वैसे ही क्रोम है। क्रोम भी चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा, बशर्ते आप उसे ढंग से चला रहे हो। अब आप क्रोम पे जाके गलत वेबसाइट खोल रहे हो, गलत फेक वेबसाइट्स पे जाके अपना डाटा दे रहे हो तो कुछ सेफ नहीं है। और अगर आप सिर्फ एजुकेशनल वेबसाइट्स पे जा रहे हो तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कह रहे हैं सर आप फोन पे घूम जाए, फिर आईडी या फिर उसको पास बदलना पड़ेगा। कौन सी आईडी पे? गूगल क्रोम पे, गूगल इंस्टाग्राम पे मान लीजिए आपका ऑप्शंस होते हैं, आप लोग फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे या तो आपने फोन नंबर दे रखा होगा या कोई दूसरी जीमेल आईडी दे रखी होगी, वहाँ पासवर्ड आके रीसेट हो जाएगा। क्रोम के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन क्रोम तो एक ब्राउजर है तो उसका इतना फंडा नहीं होता इस चीज़ में। ब्राउजर सिर्फ एक गाड़ी है जो आपको इंटरनेट की दुनिया तक लेके जाएगी। अब आपको जाना किस वेबसाइट पे है वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है कि गलत जगह नहीं जाना, गलत वेबसाइट्स पे नहीं जाना। आप लोगों को टैब मिले हुए बहुत समझदारी से उपयोग करें। आप लोगों को पता है ये टैब सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है आपकी पढ़ाई के लिए, और आप लोग उसे गेम खेल रहे हो, गलत वेबसाइट्स पे जा रहे हो। थोड़ा सा इन चीज़ों का प्लीज़ ख्याल रखें। आप लोग गलत जगह जाओगे, लिंक क्लिक होते ही आपके उसमें स्कैम वो वायरस आ जाएंगे, सारा सिस्टम ब्लीड कर देंगे, आपके इंफॉर्मेशन चोरी हो जाएगी। टैब की तो सारी इन्फॉर्मेशन गई हुई है। और हाँ, टैब आपका सब ट्रेस होता है, ये बात हमेशा याद रखना। टैब का नंबर ऑलरेडी पहले ही हो चुका है ये आपका। आप लोग जितनी बार उस पर जाते हो उस पर उनके पास इन्फॉर्मेशन जाती है आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वो टैब रजिस्टर होके ही आप लोगों के पास आए। तो जिस दिन सरकार, और वैसे बहुत आप लोगों को नहीं पता हो सरकार ये डाटा देती है सबको, पुलिस के पास भी जाते हैं कि यहाँ पे ये लोग गलत गलत वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज सतर्क रहें, गलत जगह ना जाएं। अगला सवाल, तीन क्वेश्चन रह गए, तीन और रह गए हैं। चल फरहान खड़ा हो जाते हैं। पूछना चाहिए आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी, आप लोग भी पूछना चाहिए सर शॉपिंग की वेबसाइट कौन सी अच्छी है, क्योंकि आप लोग जब तक अपने सबसे बड़ा सवाल नहीं पूछोगे ना, जिस चीज का आप सबसे ज्यादा उपयोग करते हो तब तक सेफ नहीं होगा। गेम आप लोगों को खेलना भी है, मैं तो पर्सनल सजेस्ट करता हूँ गेम ना खेलें, पर फिर भी अगर आपका खेलने का मन करता है तो उस फोन में खेलो जिस फोन में UPI रजिस्टर ना कर रखा हो। गेम कौन सी सेफ है? गेम तो सर सेफ तो कोई सी भी नहीं है। और बताओ बेटा, गेम कोई सी सेफ नहीं है, पर कुछ गेम ऐसी है जो इंटरनेट बंद करके खेली जा सकती है वो फिर भी सेफ है औरों के मुकाबले। ट्विटर सेफ है बशर्ते आप किसी को गलत शब्द ना बोल रहे हो, किसी गलत बंदे को फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बस सेफ। ट्विटर हैंडल कर रहा तू? हां जी सर। हां जी मैडम। सर जैसे हम पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट के लिए जैसे हम प्रोसीड करते हैं उसके बाद पेमेंट पे बटन दबाया तो वो या तो दो नहीं नहीं सुनो बच्चे, या तो कई बार वो देता है कि ओपन द ऐप और या फिर कहता है उसी टाइम साथ के साथ ही मैसेज साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली आ रहा होता है ओपन दिस लिंक। आप लोग यू ऐप को यूज कर सकते हैं जैसे मैं कई बार जैसे ऐप पे मैंने क्लिक की तो वो लिंक पे क्लिक किया तो वो साथ ही साथ पेटीएम ओपन कर देते हैं। भाई मैं आप बच्चों आप लोग बता दूं, पेमेंट जब करते हो आप लोग ना किसी भी जगह शॉपिंग के लिए या किसी भी जगह पेमेंट करने के लिए, तो वेबसाइट्स का आप लोग एक चीज़ हमेशा ख्याल रखते हैं कि वो वेबसाइट कौन सी है। अब ऐसी अनेकों वेबसाइट है जहां पेमेंट कर सकते हो, कोशिश करें ऐप से करें। रेजर पे सेफ है मैं आपको बता दूं, पर सेफ फिर वही बात आ जाती है कि सेफ क्या है और क्या नहीं। रेजर पे सेफ तब है अगर वो कंपनी ने बना के भेजा है। रेजर पे एक लिंक जनरेट करने का एक ऑप्शन होता है बस। अब रेजर पे सेफ अगर उसने ढंग के बंदे ने भेजा, चोर ने भेजा, तो वो सेफ नहीं है। अच्छा वो भी हो सकता है। मान लीजिए मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं भी रेजर पे का लिंक क्रिएट कर सकता हूं अपने खाते का, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं। रेजर पे का सबसे अच्छी चीज ये होती है रेजर पे किसके खाते में पैसा भेज रहा है बताता नहीं है। मैं आप लोगों को अपने रेजर पे क्रिएट करूंगा, लिंक आपके फोन पे भेज दूंगा कि सर इस लिंक पे जाके पेमेंट कर दो, दो दिन में रेजर पे मेरे खाते में भेज देगा अपना
पार्ट काट के उसमें पहले से इंफॉर्मेशन चली जाती है कि इस बंदे ने पेमेंट करनी है। बिल्कुल, अगर आपने अपने फोन का एक्सेस एनी डेस्क से दे रखा है तो ही, अगर आप जैसे ही मैं अब आप मान लीजिए आपको खाना मंगवाना है, जोमेटो आपने लॉग इन किया, जोमेटो की ऐप यूज करें बेहतर है, या फिर वेबसाइट प्रॉपर zomato.in या .com जो भी है उस पे जाके वहाँ यूज करेंगे सेफ रहेगा। गूगल पे तो 99% सर्च करें, लिंक ओपन करने की बजाय डायरेक्ट ऐप से करें ज्यादा बेहतर होता है। दो क्वेश्चन एक रह गया जी। मैडम जी हम काउंट ही नहीं कर रहे, हम तो बच्चों का काउंट करेंगे। अब जल्दी पूछो बेटा, दो क्वेश्चन रह रहे हैं, नहीं तो बैठे रहना पड़ेगा। पूछो हमसे कुछ भी, बोल बोल बेटा। शाबाश। उसके बिना फोन चलेगा ही नहीं। वो फोन की आईडी ना, वो वीवो वगैरह वाली ना बनाओ, कोशिश करो। उससे क्या होता है, वो आप लोगों के फोन में स्पैम भेजता है, एड भेजता है, वो लिंक भेजता रहेगा, तो उस आईडी को अवॉइड करो, वो बेस्ट है। उस आईडी को आप लोग उसको डिसेबल कर दो उस ऐप को। चाइनीज मोबाइल का सबसे बड़ी जो एक दिक्कत है वो यही है, इसीलिए मैं को कहता हूँ कि आप लोग फोन ऐसा लें जिसमें कम से कम, जिसे स्टॉक एंड्रॉयड कहते हैं, वो सबसे वो ले, उसमें आपको ज्यादा आपसे डिटेल भी नहीं मांगते और ज्यादा जगह आप लोगों को रजिस्टर करने को भी नहीं कहते। हाँ जी बेटा, कुछ लेते आप और कुछ अगला बोलो। अच्छा बस बैठो बेटा। ये क्वेश्चन है, हैकर डाटा कौन सा यूज करता है? हैकर देखो खरीदता है डाटा कहाँ कहाँ से। आप लोगों ने जब इंस्टाग्राम सुनो, सुनो बेटा सुनो, बहुत अच्छी बात है पूछा। अभी पिछली बार इंस्टाग्राम के करीबन 1.5 मिलियन खाते लीक हो गए थे। उसमें क्या क्या लीक होता है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका क्या कहते हैं फोटोज और लिंक, पासवर्ड वगैरह, वो लीक होते हैं। अब वो चले गए, अब उसके बाद क्या होता है, वो आपके मैसेजेस में चला जाएगा, आपको पर्सनल मैसेजेस करेगा या आपकी आईडी से किसी और को मैसेज करेगा। एक ये तरीका है। एक जब खातों का डाटा लीक होता है तब अकाउंट के इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो वहां से चोरी करता है। तो ये तो जिस वेबसाइट पे आप जो भी लिंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, उस वेबसाइट की जिम्मेदारी होती है कि आपके अकाउंट को सेव रखे। इसलिए मैं मना करता हूँ कि कम ही बनाओ और ऑनलाइन की दुनिया को अपनी जानकारी कम दो। आप लोगों को पता नहीं, लोगों को एक वो है क्या कहते हैं, अच्छा सा लगता है कि दुनिया मुझे जाने। ये जो मेंटेलिटी लोगों के मन में भर दी जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स ने, मैं डांस करूंगा या करूंगी और इससे दुनिया मुझे जानेगी, वो करो। आपको आर्ट आती है, आपको अच्छा लगता है, आप स्केच बना रहे हो, आप गाना गा सकते हो, आप मिमिक्री कर सकते हो, वो सब करो। लेकिन अपनी पर्सनल जानकारी, आपका एड्रेस, आपका नाम, वो सब शेयर ना करो किसी से। मैसेजेस पे रिप्लाई मत करो, अननोन बंदा है मत रिप्लाई करो। आपके परिवार का किसी बंदे का मैसेज आए, आपके फादर बन के, आपकी मदर बन के, भाई बन के, दोस्त बन के, कि यार मैं आप फंस गया हूँ पैसे भेज दो, भरोसा नहीं करना। उससे फोन करके पूछ लो, हाँ यार तेरा मैसेज आया था। ये सब चीजें आप लोग कंफर्म करो। एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी मैम, ये पता क्या, देखो आप लोग ऐप किसी पे जाए, मैम डाटा लीक होता है, शेयर किया जाता है। जूम ऐप हालांकि हमारे पास अब ऑप्शन ही यही था कि क्लासेस जूम ऐप के ही द्वारा मजबूरी से हो रही थी, तो उसमें तो ये कि फोन नंबर से रजिस्टर कर लो। अननोन को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो। जो होस्ट होता है, जो क्रिएट करता है, वो इस चीज का ध्यान रखे कि अननोन को एक्सेप्ट ना करे और सिर्फ उनको ही बनाए, क्या कहते हैं, जिनको आप जानते हो, बस उन्हीं लोगों को ऐड करें। वही ऑप्शन है जूम ऐप में। बाकी तो जूम ऐप कोई रजिस्टर्ड ऐप नहीं है, प्राइवेट ऐप है। तो उस ऐप का बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, फायदा भी लिया है, बिजनेस लोग करते हैं उसमें, तो वो आप कर सकते हैं। पर बाकी आप कोशिश करें कि फेस टू फेस ज्यादा बेहतर है, पर जूम ऐप का उपयोग करें तो करें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अननोन को लिंक नहीं जाना चाहिए, वो ज्वाइन करेगा उसे सेव कर लें कि अननोन को आप क्लोज आउट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, वो कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फॉलो कर लेना और 1930 को याद रखना, सेव रखना अपने पास। थैंक यू बच्चों, आपने बहुत सुना, बहुत सुना। थैंक यू। फिर भी हम जाते जाते छोटी सी बात जरूर करके जाएंगे। कोई घटना, कोई बात, दूस जानकारी आपके पास हो तो cybercrime.gov.in इस पे आप जरूर लिखें।
या स्टेट क्राइम ब्रांच के ट्विटर उस पर जरूर लिखे, कोई भी जानकारी दे दे, जानकारी दे तो बात लिखे, बात लिखे, और उस पर हम रोज लिखते हैं कि नया क्राइम क्या हो रहा है, वो पढ़े भी आप, आपको आज के टाइम में अपडेट होना जरूरी है। आप हमें भी बताएं और हमारी नहीं सुने तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें जरूर बताएं कि यहाँ पे ये हो रहा है, ये चल रहा है, मैंने ये सुना, हम ये देख रहे हैं, वो बस हमें जरूर बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू।